Hi, Wafa. Listen, I'm really sorry about last night. Hi, Wafa. Listen, I'm really sorry about last night. हेलो, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी माफी मांगने से मेरी खोई भी इज्जत वापस आ जाएगी, या फिर तुम्हारी बीवी के दिल से वो शक निकल जाएगा जो हमें लेके उसके दिल में बैठा हुआ है? कैसे समझाओगे उसे कि मेरे तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसा नहीं है? बदल पाओगे उसकी सोच को? जब मैं खुद को नहीं बदल पा रहा हूँ तो फिर मैं किसी और की सोच को कैसे बदलूंगा? वफा, मुझसे पूछो तुम कितने बदल चुके हो। जिस शख्स की सुबह मेरी आवाज सुन के होती थी, अब वो किसी और की सुबह कतार है। कभी सोचा मैं दिल पे क्या गुजरती है? हर रोज, हर पल, हर लम्हा मैं तुम्हारी मोहब्बत की आग में चलती हूँ मिसे, और आज तक चल रही हूँ। तुम आज तक अपनी जिद में चल रही हो। जिद ही सही, लेकिन क्या तुम्हें मेरी जिद के पीछे छुपी मोहब्बत नजर नहीं आती? इंसान जिद वही करता है जहां उसे अपना हक लगे, अपनी चाहत नजर आए। अगर उसका हक और उसकी चाहत कोई उसे छीन ले तो वो क्या करेगा? बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? वफा, देखो, मैंने कुछ फैसले जज्बात में किए थे जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है उसको हम छीनने की कोशिश में लग जाएं। प्लीज मीसम, किस्मत को कसूर मत दो। किस्मत ने तो हमें कई बार मिलाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी अना और तुम्हारी जिद ने सब बर्बाद कर दिया। देखो क्या हुआ, तुम्हारे भैया तुमसे छिन गए, मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई, वो मोहब्बत जिसे तुमने लालच के तराजू में तोला था। कोई जवाब? वफा, मैं फोन रखता हूं। ओके, हेलो मीसम, अल्लाह हाफिज। कब तक खुद को रोकोगे मीसम? जो बात आज तुम्हारी जुबान तक आकर रुक गई, बहुत जल्द मैं तुमसे उकलवा लूंगी।